Hello and welcome to the second day of Global Fashion and Design Week. Today we have with us a very renowned guest, Ms. Radha Bhatji. She is a renowned actor. She has worked in shows like Family Man, Sunflower and Physics Wala. She has worked in serials also like Zindagi Ki Mehak, Ye Pyar Nahi To Kya Hai, and she has also worked in a few viral ads. Hello ma'am. Yeah. Hello, hi Tanu. Ma'am, how are you? I'm doing very well. I'm very, very happy to be here. And thank you so much for having me here. I love it. Thank you, ma'am. Ma'am, how is your experience being a part of the fest? Okay, I'm still waiting right now to go and see what's there on the other side. But I'm excited actually. Last time I came for Global Film Festival, yes, ma'am. तब purpose कुछ और था. और जो मुझे आज का आइडिया है इवेंट का, इट्स ऑल अबाउट फैशन एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस रखे हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट. या मैम, जैसे आपने सीरियल्स में काम किया है तो उसमें जिंदगी की महक थी, तो मैम उस सीरियल का आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा एक्चुअली, सो इन जिंदगी की महक दो सीजन्स हुए. लाइक सीजन वन था एंड देन माय कैरेक्टर किल्ड द लीड्स ऑफ द शो. ओके, एंड उनका पुनर्जन्म हुआ एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. सो जब सीजन वन खत्म हुआ, आई वेंट टू बॉम्बे एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर. फिर जब सीजन टू एक पॉइंट तक पहुँच गया तो मुझे कॉल किया गया वापस कि नाउ यू नो श्वेतलाना की एंट्री वापस होनी है शो के अंदर. आई थिंक वॉट आई लव दिस दैट वेन आई केम बैक इन सीजन टू, my energy changed as an actor. So when you know मैं बॉम्बे चली गई थी, वहाँ काम कर रही थी और बॉम्बे मतलब एक शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, बहुत डिफरेंट तरह से आप चीज़ें सेम चीज़ सीखते हैं बट डिफरेंट तरह से और अलग अलग लोगों के साथ आप काम करते हैं. जब मैं सीजन टू में वापस आई तो मेरी एनर्जी बहुत बदल चुकी थी एंड आई वॉज प्लेइंग विद माई कैरेक्टर. आई मीन लाइक यू नो आई विल आस्क माई डायरेक्टर मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ. आई थिंक उसके बाद जो एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, आई वॉज मोर कॉन्फिडेंट. And that's really important, you know. I was easy with myself, so I think उसके बाद जो season 2 का experience था, that's really memorable for me. And I absolutely loved killing people on the show, मतलब just on the screen, not in real life. So yeah, that was an exciting part for me. मैम, जैसे आपने फिल्म्स में भी काम किया है, टीवी पे भी काम किया और OTT पे भी काम किया है, एंड मैम इन तीनों पे जो काम करना है उसमें डिफरेंस क्या होता है एक एक्टर के लिए? देखो, डिफरेंस तो बस फॉर्मेट का है सबसे बड़ा, और दूसरा ये है कि जब आप OTT पे फिल्म्स में काम करते हैं देन यू कैन डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन अ ईयर, राइट? सो यू कैन रियली टेस्ट योर सेल्फ एज एन एक्टर. और जहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्मेट में काम करते हो तो आप एक कैरेक्टर बंध जाते हैं, फिर आप उसी कैरेक्टर के अंदर वेरिएशंस निकालते हैं. सो ये मुझे लगता है डिफरेंस है. बाकी तो एक्टिंग है एंड आई लव टू बी ऑन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो मुझे आई मीन आई थिंक ऑल द मीडियम्स आर माय फेवरेट. मैम, जैसे हर एक एक्टर जब काम करता है तो उन्हें बट ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे फेस करनी पड़ती है, चाहे कोई भी एक्टर या सेलिब्रिटी क्यों ना हो. मैम, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स की यू नो व्हाई इट हैपेंस? ओके, दैट्स अ रियली आई वुड से दैट्स लाइक अ एपिडेमिक ऑफ द इंडस्ट्री आई वुड से. बिकॉज बहुत लोगों की अलग अलग तरह की बातें सुननी पड़ती हैं जब आप कोई भी शो करते हैं, जो भी कैरेक्टर शो आप करते हैं. लोग समटाइम्स आपको लोग जो आप किरदार निभा रहे हैं स्क्रीन पर उससे कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि आप ऐसे ही हैं या शायद आप उस तरह के हैं, बट यू नो वो डिफरेंस समझना ज़रूरी है. सो आई तो पर्सनली टेक अ स्टेप बैक वेन एवर आई रिसीव एनी सच कॉमेंट्स और मैसेजेस on my social media, so I just delete it. Like, you know, I don't want to get into it because it's a very weird kind of a loop. जहाँ आप घुसते हैं तो घुसते चले जाते हैं. तो I have made a very sensible choice of not getting into it. I read it and I delete it. That is my mantra for just staying, keeping myself away from such negativity. And ma'am, जैसे negativity होती है जो बहुत लोगों को actors specially you know they face depression, anxiety or in a low phase. Right. And if that comes in your life, how do you deal with it? I think, yaar, it comes with experience. Actually, जितना आप काम करते रहते हैं आप उतना यू नो गढ़ते यू नो यू बिकम गुड वी कैन से दैट यू नो आप उसमें उतना माहिर होते जाते हैं. तो ये फेजेस हैं लाइफ के और इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर फील्ड आई वुड से. चाहे आप एक्टर हो, मॉडल हो, चाहे पेंटर हो, किसी भी आर्ट क्रिएटिव फील्ड से आप आते हैं तो आप एक टाइम पे बहुत काम कर रहे हो और एक समय ऐसा आता है जब आपके पास काम नहीं है और आपका आप ढूंढ रहे हैं तो आपको पता नहीं है आपको क्या करना है.
तो उस टाइम पे अपने आप को ग्राउंडेड रखना और फिर दोबारा से प्रोसेस में जाना, चाहे वो ऑडिशन प्रोसेस हो, चाहे वो लोगों से मिलना हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैं अपने आप को क्रिएटिवली एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। एंड अभी आई एम ऑल्सो क्यूरेटिंग अ वर्कशॉप जो मैं दिल्ली में कर रही हूँ 2 जून को। सो दैट इज़ ऑल्सो कीपिंग मी बिजी। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्ले एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग फॉर अदर थिंग्स। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नो एज एन एक्टर मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को अलग अलग स्पेस में प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रखने के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग आई डू। या एंड आई रीड ऑल्सो। मैम, रीडिंग इज़ अ हॉबी ऑफ माइन एज वेल। मैम, अगर मैं बात करूँ जैसे कोई भी आजकल इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत ज़्यादा है एंड इन्फ्लुएंसर्स आफ्टर सोशल मीडिया दे आर ऑल्सो जॉइनिंग द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन और फिल्म और OTT, एंड मैम डज इट फील लाइक इम्पार्शियलिटी एज एन एक्टर कि आई हैव वर्कड सो हार्ड फॉर सो मेनी ईयर्स बट अ न्यू कमर एंड इन्फ्लुएंसर विदाउट वर्किंग एंड गेटिंग मेन रोल्स इन फिल्म एंड टेलीविजन शोज? यार, आई फील दैट एवरीवन विल हैव देयर ओन शेयर। आई मीन उन्होंने भी, अगर वो इन्फ्लुएंसर्स हैं तो अगर वो एक आज एक मुकाम तक पहुँचे हैं तो वो अपनी मेहनत से पहुँचे, चाहे वो पोस्ट करते हैं कंटेंट को या कुछ भी करते हैं। एंड समटाइम्स वी डू फील दैट यू नो अरे ये कहाँ से इस फील्ड में आ गया, राइट? बट आई थिंक एवरीवन इज़ डूइंग देयर बिट और आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट कि देर इज़ अबंडेंस फॉर मी एवरीवेयर। सो इट्स नॉट लाइक अ ये केक नहीं है कि अगर आधा किसी ने खा लिया तो मुझे आधा मिलेगा। इट्स नॉट लाइक अ केक, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी अबंडेंस विच इज़ कमिंग टू एवरीवन्स लाइफ। सो मेरे हिस्से का मुझे मिलेगा और जिसके हिस्से का काम होगा उसको मिलेगा। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी सॉर्टेड इन दैट स्पेस। या मैम, नाउ वी आर एट फैशन फेस्ट, देन फॉर यू हाउ इम्पॉर्टेंट इज फैशन एंड क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज एज एन एक्टर? हाँ, ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर कि आप एक्टर हो तो आपको एक सर्टन तरीके से तैयार होके जाना है या आपको एक सर्टन तरीके से तैयार होके घर से बाहर निकलना है कि अगर आपको लोगों ने देख लिया। सो अभी पिछले दिनों बहुत फनी चीज़ हुई। आई वॉज एट CP, ऐसे आई वॉज आउट विद माई हस्बैंड शॉपिंग एंड देन सडनली आफ्टर सम टाइम आई सी इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे टैग करा हुआ है, दे मेड अ वीडियो ऑफ मी दैट मैं CP में शॉपिंग कर रही हूँ एंड द टैग भी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉज लाइक and I was you know wearing very comfortable clothes and all of that. So actors pe hota hai pressure, but for me fashion is comfort and cloth is like a second skin you're wearing on your body, so it should align with you. So I know that I can wear different kind of clothes, but if I am not comfortable and if that something does not align with me, I used to do that earlier because you have to look in a certain way, but eventually with time I've realized that I don't want to do that anymore. So for me, it's summers, bahut garmi hai, so I'll wear something loose, nice, and I'll just, you know, put a nice neck piece so that it is like one thing which is standing out, nothing which is too uncomfortable for me. So yeah, it's comfort, ease, that is fashion for me. Ma'am, you're talking about comfort and ease, and nowadays it's the, you know, day of fast fashion. Everyone's running after that. And right. Do you think according to you, what is the need of, you know, sustainable fashion in today's world? I can tell you that what I do, like if I'm going out and buying 3 new tops, say like 2 or 3 dresses, तो मैं पुरानी ड्रेसेस निकाल देती हूँ। सो आई ऑलवेज मेक अ स्पेस, सो आई विल ऑल, मतलब मैं क्लटर नहीं करने में विश्वास रखती हूँ। सो इन द टाइम जहाँ पे फास्ट फैशन है और हम यू नो वी नॉट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सस्टेनेबिलिटी इज समथिंग विच वी नीड टू लुक एट। सो रादर देन गोइंग आफ्टर क्लोथ्स all of that, you should have some basics and classics in your wardrobe. Nice. If you have, even play around with that. Uske baad agar aapko lagta hai ki na 1 2 3 4 jo chal raha fashion ke hisab se, obviously you have to go with the fashion also na, zarurat hai, time aisa hai, lekin sensibly karo. You want to go after fashion, fast fashion, go for it, but do it sensibly. So rokna nahi hai, but you should be in awareness and you should act out of the sensibilities to decide how you want to go about it. Yeah, that's what I feel. Ma'am, one last question. Ma'am, any words for the, you know, fashion students working so hard in the fest? I just say have fun. That's the most important thing. Like, I know there's a lot of stress, there's a lot of, you know, ki achha karna hai, different dikhna hai, ye karna hai, wo karna hai. Yes, I know, I understand the stress, but
the most important thing is to have fun. When anything comes from the space of fun, magic happens. Trust me on that. So just have fun. I mean, that's what I believe in. Yeah. Thank you so much. It was lovely to talk to you. Thank you so much. Thank you, guys. With video journalist Tanisha, Tanu Keshri, App 24/7.